नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में हो रही देरी के चलते नाराज रहे डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 2 घंटे पेनड्राउन स्ट्राइक की। 2 घंटे तक डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं बैठे। सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ये पेनड्राउन स्ट्राइक चली। इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही जा रही। ओपीडी में डॉक्टर्स की 2 घंटे तक सेवाएं ना मिलने से मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि 11:30 बजे के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई। ऑल ओवर इंडिया में करीब 1 लाख डॉक्टर्स ने नीट पीजी का एग्जाम 2021 में उत्तीर्ण किया है। आगामी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई है। पहले 2 बार एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे और बाद में अब काउंसलिंग डिले हो रही है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन RKGMC हमीरपुर के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आशीष शर्मा का कहना है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने से डॉक्टर्स खासे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग ना होने से मेडिकल कॉलेज प्रभावित हो रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं कोविड और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है लेकिन इसकी एवज में डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं। इसके विरोध के चलते हमीरपुर के सहित हिमाचल के सारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन लामबंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी रणनीति जल्द ही तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डॉक्टर्स के निर्देश पर पेन डाउन स्ट्राइक की गई है। जो ये हमारी स्ट्राइक चल रही है, ये ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक का ही एक पार्ट है। जो हमारी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है ऑल ओवर इंडिया, उनकी तरफ से ये स्ट्राइक बुलाई गई थी। जो नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में जो डिले हो रहा है, पूरा एक पूरे का पूरा बैच जो है डॉक्टर्स का, लगभग 1 लाख डॉक्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो जिन्होंने नीट पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनका वो प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया है। वो आगे उनकी एडमिशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। ये जो प्रोसेस है ये अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। तो ऑलरेडी ये जो एग्ज़ाम था ये 2 बार पोस्टपोन हो गया। उसके बाद जो है वो अगर काउंसलिंग जो ही वो भी डिले हो गई। तो जो एक पूरे का पूरा लॉट था बैच जो डॉक्टर्स का 2021 का, वो पूरा का पूरा आ ही नहीं पाया 2021 में। इसके अलावा जब हम सबको ये पता लगा कि इससे कितनी सफरिंग हमारे मेडिकल कॉलेजेस को हो रही है, क्योंकि पेशेंट में कोई कमी नहीं है। कोविड ओमिक्रॉन का स्टार्ट हो गया है, कोविड में भी कोई कमी नहीं है। तो जैसे पेशेंट लोड में कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी नहीं है, पर उसके पैरेलल में डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे थे, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो गए। तो इसके विरोध में सारी हिमाचल की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो फॉर्डा है, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उसके समर्थन में हमने सोमवार और मंगलवार और बुधवार को ब्लैक बैचेस लगा के इसका प्रोटेस्ट किया। और आज से इनडेफिनेट 2 आवर्स पेन डाउन स्ट्राइक पे है। सुबह 9:30 से 11:30 आज भी हमारी एक स्ट्राइक रही है जिसमें हमने पेन डाउन किया था। इस दौरान हमारी सारी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो चलती रही। प्लस अब इसके आगे जो रणनीति है वो हम आपसी मीटिंग में करके फर्दर आपको डिटेल बताते रहेंगे। हमारा है कि जल्द से जल्द इन डॉक्टरों को, जो 1 लाख डॉक्टर यहाँ क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेजेस में भरा जाए, ताकि यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है, जूनियर डॉक्टर भी जो है किसी भी एक मेडिकल कॉलेज की बैकबोन होते हैं, तो जैसे वो जल्दी से जल्दी आएंगे वैसे पेशेंट्स को उतनी अच्छी केयर मिल पाएगी।